हेलो प्रवीण, आज हम बात करेंगे लो प्राइस स्पोर्ट्स बाइक के बारे में। इंडिया में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है, पर आज हम कुछ लो प्राइस स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बात करेंगे। कई लोग स्पोर्ट्स बाइक लेना तो चाहते हैं पर उनके पास उतना बजट नहीं होता है। आज का ये वीडियो उनके लिए है ताकि उन्हें हेल्प हो सके कौन सी बाइक उन्हें लेनी चाहिए। तो उन्हें इस वीडियो में पता चल जाए कौन सी लो प्राइस बाइकें हैं जो उन्हें लेनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारी कंपनियाँ जो अपने स्पोर्ट्स बाइक प्रोवाइड कराती हैं, पर आज हम कुछ खास स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी बाइक को लेनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीडियो मोटो ब्लॉग। वीडियो मोटो ब्लॉग का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे यामा R15 B4 के बारे में। ये एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक है। इस बाइक को काफ़ी सारे लोग खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि इस बाइक में पावर के साथ साथ कई सारे मोड्स मिल जाते हैं हमें। इस बाइक का पावर जो है अल्टीमेट है, काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया इस बाइक पर, और ये बाइक देखने में भी काफ़ी अच्छी है। इस बाइक की फ्रंट हेडलाइट एंड बैक हेडलाइट भी सारी LED मिल जाती है हमें, इंडिकेटर भी LED मिल जाती। इसके मीटर की बात करें तो वो डिजिटल मीटर दिया गया है, फुली डिजिटल मीटर, काफ़ी अच्छा मीटर है, बड़े साइज का मीटर दिया गया है। इस बाइक पे 155 cc का पावरफुल इंजन दिया गया है। बाइक पे हमें मिलता है 6-speed गेयरबॉक्स, 11 liter का फ्यूल कैपेसिटी। इसकी माइलेज 45 की देगी ऐसा कंपनी बोलती है। इस बाइक पे हमें फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो भी ड्यूल चैनल ABS के साथ। इस बाइक पे हमें 17 inch का फ्रंट और रियर ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है हमें। अब इस बाइक की प्राइस की बात करते हैं, इसकी प्राइस की बात करते 1,80,000 XRP प्राइस है। अब बात करेंगे बजाज पल्सर RS 200 की। ये बाइक थोड़ी सी पुरानी है, पर जितनी बाइक ये पुरानी है उतनी पावरफुल बाइक है। जिनके पास भी ये बाइक होगी उन्हें पता है कि कितनी पावरफुल बाइक है। बाइक आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। इस बाइक के फ्रंट और बैक में LED हेडलाइट मिल जाती, इंडिकेटर भी LED मिल जाती है सारे। इस बाइक पर हमें 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है हमें, 6-speed का गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, 13 liter का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है इस बाइक पे हमें। इस बाइक की भी अच्छी बात है, ड्यूल चैनल ABS के साथ ही बाइक, वो भी डबल डिस्क ब्रेक से आती है। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है इस बाइक पे हमें। अब इसके टायर साइज की बात करते हो, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। मीटर की बात करते हो, डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, और इसकी माइलेज जो 35 km/L की दे देगी आराम से। वैसे इस बाइक को चलाना काफ़ी ईजी है, काफ़ी कंफर्टेबल चलती है बाइक, इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी स्मूथ इंजन है। अब इस बाइक के प्राइस की जरा बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस की बात करते हो, 1,71,000 XRP प्राइस इसकी। तीसरे नंबर पर KTM RC390। बहुत सारे लोग सोच रहे हो KTM की बाइक नहीं आ रही, लो भाई आगे KTM की बाइक भी। KTM में कई सारे वेरियंट मिल जाते हैं हमें, 125 cc लेकर शुरुआत होती है बाइक। KTM के बाइक के मैंने बता दूं कि ये रेडी टू रेसर होती है, ये रेसिंग के लिए बनी होती है, काफ़ी स्पोर्टी बाइक होती है। बाइक देखने में काफ़ी अच्छी होती है, लुक्स जो इसका काफ़ी बढ़िया होता है इसका। इस बाइक पर भी सारी हेडलाइट LED मिल जाती है हमें, इंडिकेटर LED मिलती है, मीटर जो है वो भी डिजिटल मिल जाती है इस बाइक पे। स्पोर्ट बाइक तो डिजिटल मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके इंजन की बात करते हैं जरा। इस बाइक पे जो इंजन मिलता है 373 cc का इंजन मिलता है, वो भी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है, 6-speed का गेयरबॉक्स दिया गया, 3 liter का फ्यूल कैपेसिटी इस बाइक की। राइडिंग रेंज जो है इसकी 390 km है। इसकी माइलेज जो है थोड़ी कम है, 29 km/L की माइलेज दे दी गई। इसकी जो प्राइस है 312,100 प्राइस। चौथे नंबर पर BMW G310 RR। ये BMW की स्पोर्ट बाइक है, सबसे सस्ती स्पोर्ट बाइक है, देखने में काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये देखने में अपाची की 310 से काफ़ी मिलती जुलती है, काफ़ी सेम है, पर हम TVS की बात नहीं करेंगे, TVS को छोड़ो, अब हम BMW की बात करेंगे। BMW में क्या खासियत है, इसमें मिलता है LED हेडलाइट, फ्रंट रियर में इंडिकेटर भी LED मिलते हैं हमें। इसके फोन के शेप में मीटर दिया गया है, सबसे अलग बनाती है। पावर भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है इस बाइक पर हमें, 310 cc का इंजन दिया गया इसमें। अच्छी बात है BMW की लोगो मिल जाती है, सबसे VIP वाली। 312 cc का इंजन दिया गया, 6-speed गेयरबॉक्स आती है बाइक, कर्व वेट इसकी 174 kg की है। फील्डिंग कैपेसिटी जो इसकी 11 liter का फील्डिंग कैपेसिटी इस बाइक की, सीट हाइट 811 mm की है। मैक्स पावर देती है 33.5 bhp पावर। अब इसकी प्राइस की बात करें तो 289,100 प्राइस है। बस आज के लिए तो ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। धन्यवाद।